हाय दोस्तों, A4 चाय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डायरेक्ट पेज में जो भी कांटेक्ट रहता है उसमें अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं और आपके फ़ोटो नहीं है और आप लगाना चाहते हैं या फिर सेट करना चाहते हैं या फिर आप उसमें लगा लेंगे तो डायरेक्ट पेज एप्लीकेशन में जो भी बनता है वहाँ पर आकर आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेगा या फिर नाम लिखेगा तो वहाँ पर आपका फ़ोटो शो होगा उस बंदे के मोबाइल में। तो दोस्तों कैसे लगाने हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इस बंदे को लगाकर दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे ए का जो ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेंसिल वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिवाइस वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड पिक्चर और यहाँ पे एक गैलरी का आइकन दिख रहा है और प्लस का भी आइकन आपको मिल जाते हैं। चलिए हम प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कैमरे में से जाना चाहते हैं या फिर गैलरी में से, तो अगर आपने अच्छे फ़ोटो रखा है तो आप गैलरी वाला सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम गैलरी वाला एप्लीकेशन ओपन कर, तो चलिए हमने एक फ़ोटो यहाँ पर लगा लिया है, इस तरीके से आपको भी लगा लेना है। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और उसके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये देख लीजिएगा चॉइस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपका लग गया, ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है सेव का, आप इस पर सेव करेंगे तो आपका ये डायरेक्ट पेड एप्लीकेशन में यहाँ पे फ़ोटो लग चुका है। अब जो भी बंदा आपका देखेगा और वो वहाँ आपका नाम सेव करेगा तो उससे पहले आप उसका फ़ोटो ही देखकर आपको पहचान लेगा कि कौन बंदा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर